हाय फ्रेंड्स, लैपटॉप फॉर राइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो कि आप व्हाट्सएप में अपना फ़ोटो या और दूसरे का भी फ़ोटो स्टिकर भेज सकते हैं बहुत ही सिंपल के साथ। आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि मैं यहाँ कुछ स्टिकर जो कि है भेज के रखा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह जो कि है इसकी जगह आप अपने खुद का भी फ़ोटो लगा के भेज सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लगा लास्ट तक देखते रहना और व्हाट्सएप पर स्टिकर कैसे भेजते हैं इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना। तो फ्रेंड्स लेट गो स्टार्ट नाउ, चलिए शुरू करते हैं। और बंटाए लोग कैसे हो मेरे भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। व्हाट्सएप पर इस तरह का स्टिकर भेजने के लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो रुको फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या क्या करना है तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस जो कि है देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको प्लस पे एक बार क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्टिकर का नाम दे देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ व्हाट्सएप। देने के बाद आपको यहाँ से जो कि है आपका जो गैलरी है जितना भी आपका PNG होगा फोटो, यहाँ पर आपका पूरा फोटो जो कि है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपको है करना क्या है कि आपको जिस जिस फोटो को आपको लगाना है आपको सिंपली उस पर टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टिक का ऑप्शन है, ठीक है। तो एक बार टिक पे क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि सेंडिंग टू व्हाट्सएप, थोड़ा सा देर हम यहाँ वेट कर लेते हैं। अभी सेंड जो है कि है व्हाट्सएप पे कर रहा है। करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड का ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको ऐड भी एक बार क्लिक करना है। इसमें लिखा है ऑलरेड यू लाइक टू ऐड ए व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है। करने के बाद ये जो कि है आपका जो कि है यहाँ पर टिक मरा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो स्टिकर है व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो गया है। तो आप सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो कि है एक इमोजी का ऑप्शन है, ठीक है। इमोजी पे क्लिक करना है। करने के बाद आपका जो कि है स्टिकर जो कि है यहाँ पर जो है ये आ गया है। तो यहाँ पर एक बिंदा है, इसका मतलब है कि ये नया है, ठीक है। तो एक बार इस पर आपको क्लिक करना है। आप जितना भी वहाँ से स्टिकर लिया है यहाँ पर जो कि है सो देखने को मिल जाता है। तो आप सिंपली किसी को भी अगर भेजना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है। सॉरी, ये जो है ब्लॉक किया हुआ है तो इसको अनब्लॉक कर देते हैं। तो आपको अगर क्लिक करना है इसको, अगर हमको भेजना है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कि है वो स्टिकर जो कि है आ गया है। आप इसी तरह करके आप लगा भेज सकते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो कि है मैं जितना सारा स्टिकर यहाँ पर दिया है क्लिक किया है तो यहाँ पर जो कि है पूरा स्टिकर जो है यहाँ पर आ गया है। आप सिंपली इसी तरह से आप स्टिकर खुद का भी और दूसरे का भी स्टिकर भेज सकते हैं, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स इस ट्रिक को अपनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, आप वहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और ये वीडियो अगर आपको अगर हेल्पफुल हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना फ्रेंड्स। फिर मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।